अर्थफम एंड जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थफम फेरेटीमा पोस्तुमा क्या नाम पूरा कम्प्लीट फेरेटीमा पोस्तुमा फेरेटीमा पोस्ट जूलॉजिकल इंडियन अर्थफम का नाम है ये एंड अर्थफम को हम देखें कॉमन इंडियन अर्थफम जो होता है फेरेटीमा एंड लुमरिकस बट लुमरिकस ऑल्सो फाउंड इन यूरोप एंड अमरीका इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए यूरोपियन एंड अमरीकन अर्थफम नॉमली फेरेटिमा इंडिया में बट साथ में लोम्बरिकस भी प्रेजेंट वाई लोम्ब्रिकस प्रजेंट इंडिया फॉर वर्मी कम्पोस्ट आप जानते हैं वर्मी कल्चर्स के थ्रू हम एक फर्टिलाइजर्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्मी कम्पोस्ट उसके लिए इंडिया में मैक्सम यूज कर रहे हैं लोम्बरिकस को इंडिया में फेरेटिमा एंड लोम्बरिकस मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है अर्थम का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोरिशन ऑफ पिगमेंट्स Pigments, जो डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स कलर जो हो होगा इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है इट इटम सॉइल के कलर से मैच कर रहा है अर्थम के अंदर कैमोफ्लेज भी प्रेजेंट होती है क्योंकि इसके अर्थम का जो बॉडी कलर और सॉइल कलर का मैच कर जाता जा है इसके जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते नेचर जो होता है अर्थम का नॉक्टिनल एनिमल है ऑमनीवोरस एंड फॉसोरियल नॉक्टिनल एनिमल्स होता है ये के केवल नाइट में ही एक्टिवेट होते हैं क्लियर क्योंकि अगर डे टाइम में ये एक्टिव होंगे पर लाइट इफेक्ट होता है जानते हैं हम लोग अर्थफॉर्म के अंदर मेंबर्स ऑफ एनलिडा क्यूटेनियस रेस्प्रेशन होता है एंड क्यूटेस रेस्प्रेशन के लिए आप जानते हैं स्किन का क्या होना चाहिए मॉइस्ट अगर अर्थफॉर्म दिन में सनलाइट में बाहर आएगा तो डेफिनेटली सनलाइट से इसकी स्किन ड्राई हो सकती है ड्यूटेस्फाक्सिया अर्थफॉर्म की डेथ हो सकती है इसलिए अर्थफॉर्म नॉर्मली नौ, नौ, जो होता है ये नॉकटनली ये प्रेजेंट होता है ऑमनिवर्स का फूड सभी तरह का होता है लाइक ह्यूमस डेड एंड लीव ट्विक्स वगैरह प्रजेंट ये जो होता है या डैड इंसेक्ट वगैरह भी ये इंटेक्ट करता है तो नेचर में ये ऑमनीवर्स एनिमल है एंड फाउंड इनसाइड दी बरो ये बिल के अंदर प्रजेंट होता है जो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको फॉसोरियल एनिमल कॉक्रोज को हम बोलते हैं कर्सोरियल एनिमल अर्थवम को बोलते हैं फॉसोरियल वॉट इज मीनिंग ऑफ फॉसोरियल इट मीनस फाउंड इनसाइड दरो मॉइसोस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट अर्थवम की मॉर्फोलॉजी को हम स्टार्ट करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं अर्थवम की मॉर्फोलॉजी के अंदर Like body of earthworm is divided into the 100 to 120 segment. How many segment? 100 to 120 segment. And these segments are called metamere or somites. Body of earthworm is divided into the 100 to 120 segment. And these segments are called metamere or somites. What is metamere? It means segments which are equal shape and size. अरेज होते हैं और आप जानते हैं क्या एंडला के मेंबर्स के अंदर ट्रू मेटामेडीज प्रेजेंट होती है लाइक ए सेगमेंटेड बॉडी होती है ट्रू मेटामेडीज प्रेजेंट है ये बॉडी सेगमेंट्स को बोल रहे हैं मेटामियर और सोमैट्स बॉडी की डिफरेंट टाइप ऑफ शेप को स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट को फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोलते हैं बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर पेरिस्टोमियम पेरीस्टोमियम इट इज ऑल्सो नॉन एज बक्कल सेगमेंट तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी नॉन है जो पेरिस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम पर एक स्किन का जो होता आउट ग्रोथ होती है लाइक पेरिस्टोम पर जो स्किन होती है वो आउटग्रोथ की फॉर्म पड़ होती है लाइक ए हुड लाइक या लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं पेरिस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम पर एक स्किन की जो आउटग्रोथ है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टोमियम बट प्रोस्टोम नॉट ए एक्चुअल सेगमेंट ऑफ बॉडी आपसे एक्चुअल सेगमेंट ऑफ बॉडी पूछा जाए आपका आंसर जाएगा पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम क्या है ये ओनली आउटग्रोथ है बट आपके एनसीआरटी के अंदर प्रेजेंट है प्रोस्टोम के बारे में इट इज द वर्क एज ए से सेंसरी फंक्शन ये प्रो एस्टोमियम जो होता है ये सेंसरी नेचर का होता है ऑर्गन से ही यहाँ पर स्किन का ये और इसके टू फंक्शन होते हैं प्रोस्टोमियम परफॉर्म टू टाइप ऑफ फंक्शन नंबर वन फंक्शन डिगिंग द सॉइल एट द टाइम ऑफ बरो फॉर्मेशन

बट फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके प्रजेंस फोटो रिसेप्टर की प्रेजेंस से ये डे और नाइट का पता लगाता है क्लियर तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अर्थफॉर्म के अंदर प्रो एस्टोमियम इज नॉट ए एक्चुअल सेगमेंट इट इज आउट ग्रोथ ऑफ स्किन बट इट परफॉर्म टू टाइप ऑफ फंक्शन नंबर वन फंक्शन डिगिंग द सॉइल एट द टाइम ऑफ बरफ फॉर्मेशन ए सेकंड फंक्शन वर्क एज ए फोटो रिसेप्टर और ये माउथ को भी कवर किया हुआ है तो इसलिए कवर कवर द माउथ इज ए होड फर्स्ट सेगमेंट्स को हम बोल रहे हैं पेरिस्टोमियम इट इज अ बक्कल सेगमेंट एंड फर्स्ट सेगमेंट पर ही वेंट्रल साइड पर एक प्रेजेंट होती है माउथ क्या बोल रहे हैं माउथ 100 टू 120 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है कितने 100 टू 1 एवरी टू सेगमेंट्स बिटवीन एवरी टू सेगमेंट के, between, के between, -like होती है, हम बोलते हैं इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स ये 1 टू 120 सेगमेंट तक होते हैं एवरी टू सेगमेंट के बीच में प्रेजेंटेड डिप्रेशन होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं गड्ढे इनको बोल रहे हैं इंटर सेगमेंटल ग्रुप इंटर सेगमेंटल ग्रुप का फंक्शन क्या होता है बोलेंगे डिवाइडेड बॉडी वॉल तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म डिवाइडेड बाई आपका आंसर रहेगा बाई इंटर सेगमेंटल ग्रुप फाइव टू नाइन सेगमेंट्स लाइक इन बिटवीन फाइव टू सिक्स वन पेयर सिक्स टू सेवन वन पेयर सेवन टू एट वन पेयर और एट टू नाइन पर वन पेयर वेंट्रल लैटरल कंडीशन में किस कंडीशन में वेंट्रल लैटरल इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है अपर्टचस प्रेजेंट होते हैं इन अपर्टचस को बोलते हैं इस पर मैथिका पोर पहला ही क्वेश्चन होगा आपसे कि इन व्हिच सेगमेंट इस पर मैथिका पोर प्रेजेंट आपका आंसर जाएगा 5 टू ऑब्लिक 6 6 ऑब्लिक 7 7 ऑब्लिक एट टू 9 अगर ऑप्शन में ये बाय द ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आंसर होगा 5 टू सेगमेंट इट मिटवी फाइव टू नाइन सेगमेंट पर क्या प्रजेंट होते हैं इस प्रेजेंट होते हैं एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इस मेथी का पोर आंसर जाएगा स्टोरेज ऑफ विस्पम आफ्टर पॉपुलेशन नॉर्मली अर्थम जो होता है ये में फोडाइट एनिमल से मोनोसियस या बाइसेक्सल होते हैं पर इनके अंदर क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है एक्सचेंज ऑफ इस्पम्स जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं मेचुर एक्सचेंज होते हैं इन वन अर्थफम के इस्पम सेकंड अर्थफम में ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर आफ्टर कॉपुलेशन जो स्पम्स होते हैं वो कहाँ स्टोर तो होते हैं आपका आंसर जाएगा इस पर मेथिका पॉल्स के अंदर तो इस पर मेथिका पॉल का फंक्शन स्टोरेज ऑफ स्पम आफ्टर कॉपुलेशन इन विच सेगमेंट स्पर मेथिका प्रेजेंट फर्स्ट ऑप्शन फाइव ऑब्लिक सिक्स सिक्स ऑब्लिक सेवन सेवन ऑब्लिक एट एट ऑब्लिक नाइन ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आंसर जाएगा फाइव टू नाइन और अगर ये दोनों भी ना हो ऑप्शन में तो फिर आपका आंसर हो सकता है सिक्स टू नाइन सेगमेंट्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेक्चर्स है कि फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेगमेंट पर पिंक डार्क कलर ग्लैंडुलर स्ट्रेक्चर्स होती है रिपीट कर रहा हूं मैं फोर्टीन सेगमेंट 15, 16 सेगमेंट पर कंटिन्यू 14, 15, 16 पर पिंक डार्क कलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती है को हम बोलते हैं क्लाइटेलम और सिंगुलम क्या बोल हैं इसको क्लाइटिलम एंड सिंगुलम एंड वट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटिलम आपका आंसर जाएगा कॉकून फॉर्मेशन कॉकोन वट इज द काकोन इट इज द एम्ब्रनिक पाउंड अर्थवम के अंदर रिप्रोडक्शन के आफ्टर रिप्रोडक्शन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या एक्स का जो फर्टिलाइजेशन है एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड दी दॉकोन होता है क्लियर तो विस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म दी कॉकोन ऑफ इन अर्थवम आपका आंसर आएगा क्लाइटलम और सिंगुलम इन विच सेगमेंट क्लाइटिलम प्रेजेंट आपका आंसर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेगमेंट पर प्रेजेंट है एंड द साइज ऑफ काकोन अगर आपसे पूछा जाए आपका आंसर आएगा टू पॉइंट जीरो टू टू पॉइंट फोर मिलीमीटर तो इन इनविस सेगमेंट क्लाइटलम प्रेजेंट फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेगमेंट पर फोर्टीन सेगमेंट पर मिड वेंटल कंडीशन पर मीन वेंटल साइड पर बिल्कुल सेंटर में एक अपर्चर्स होता है इसको हम बोलते हैं फीमेल गोनोपोर इट इज फीमेल गोनोपोर नंबर में वन है और प्रजेंट होता है कहाँ पर मिड वेंटल लाइन पर फोर्टीन सेगमेंट पर तो इन विच सेगमेंट फीमेल गोनोपोर प्रजेंट आपका आंसर जाएगा फोर्टीन सेगमेंट इनविस साइड फीमेल प्रजेंट आपका मिड वेंटल कंडीशन पर क्लियर नेक्स्ट एटीन सेगमेंट पर ही प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होते हैं और मेल गोनोपर प्रेजेंट होता है एटीन सेगमेंट पर वेटिन सेगमेंट पर मेल गोनोपोर प्रेजेंट होंगे वेंट्रल लेटल साइड पर प्रेजेंट क्लियर इट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थवम में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सेगमेंट्स के यहाँ पर ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ध्यान रखना है फोर्टीन पर फीमेल गोनोपोर्स है ओनली वन इट फाउंड इन द मिड वेंट्रोल साइड पर बट मेल गोनोपोर जो होते हैं वन पेयर है एटीन सेगमेंट पर, पर प्रेजेंट होते हैं और साइड होती है कि वेंट्रो

यह होता है वन ट्वेंटी सेगमेंट पर कहां प्रेजेंट होता है ये वन ट्वेंटी के अंदर इस सेगमेंट्स को बोलते हैं पाइजीडियम बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट को हम बोल रहे हैं पेरिस्टोमियम बॉडी के लास्ट सेगमेंट वन ट्वेंटी सेगमेंट को पाइजिडियम और पाइजीडियम के अंदर प्रेजेंट होती है एनस क्या प्रेजेंट होती है एनएस क्लियर फ्टर 12 सेगमेंट वट इज मीनिंग ऑफ आफ्टर ट्वेल्व थर्टीन सेगमेंट टू वन नाइनटीन तक कंटिन्यू थर्टीन टू वन नाइनटीन सेगमेंट के अंदर dorsal side of body पर बिल्कुल मिडिल condition के अंदर आप present होते हैं इट तो इज called कॉल्ड मिड pore, पोर क्या कहलाते हैं ये? मिड डोर्सल पोर dorsal साइड पर है इसलिए आप इसको बोल रहे हैं मिड डोर्सल पोर होते हैं ये, और कहां प्रेजेंट है थर्टीन टू वन नाइन्टीन सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वट इज फंक्शन ऑफ मिड डॉर्सल पोर्ड आप कहाँ से इट्सिक्रिट दिलोमिक फ्लूड आउटसाइड द बॉडी मीन मिड डोर्सल पोर से जो होता है वो सिलोमिक फ्लूड बाहर निकलकर स्किन को मॉइस बनाते हैं और आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मॉइस स्किन के थ्रू यहाँ पर रेस्प्रेशन होता है तो आप जानते हैं अर्थफॉर्म के अंदर क्यूटेनियस रेस्प्रेशन होता है थ्रू मॉइस स्किन तो स्किन को मॉइस करने के लिए मिड डोर्सल पोर कंटिन्यूस सिलोमिक फ्लूड को आउटसाइड द रिलीज करेंगे आउटसाइड द बॉडी स्किन को क्या करते हैं मॉइस्ट बनाते हैं नेक्स्ट फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम लास्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पाइजिडियम फर्स्ट सेगमेंट के अंदर माउथ परजेंट लास्ट सेगमेंट के अंदर एनस परजेंट क्लियर तो फर्स्ट सेगमेंट माउथ परजेंट लास्ट सेगमेंट एनस परजेंट इट मीनस क्या क्लियर हो आपके दिमाग में कि अर्थफम के अंदर जो कि एंडला का मेम्बर्स होता है फुल लेथ में माउथ टू एनएस तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है लाइक ए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट क्लियर अर्थवम के बॉडी पर ही लगे होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन्स एंड अर्थवम के लोकोमोटिव ऑर्गन्स को सीटा और कीटा बोलते हैं सीटा और कीटा इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवम एस शेप्ड होते हैं ये एंड द मैडप ऑफ काइटीन मैडप ऑफ काइटिन तो क्लियर रखें लोकोमोटिव ऑर्गन्स जो होते हैं अर्थवम के क्या है सीटा है इट इज मैडप ऑफ काइटिन एंड शेप क्या होगा इसका एस शेप सीटा ऑल्सो नॉन एज कीटा बॉडी पर लगे होते हैं ये रिंग ऑफ सीटा की फॉर्म में प्रेजेंट है ईच बॉडी सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होते हैं सीटा एंड अर्थवम के अंदर बॉडी सेगमेंट कितने हंड्रेड टू वन टू हंड्रेड टू वन ट्वेंटी से लेकर 120 सेगमेंट तक सीटा प्रेजेंट है बट सीटा एबसेंट होते हैं थ्री सेगमेंट के अंदर लाइक फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटलम के अंदर तो इन विच सेगमेंट बॉडी ऑफ अर्थवर्म सीटा आर एबसेंट आपका आंसर आएगा फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटलम एंड फर्स्ट सेगमेंट का नाम गमेंट को हमने क्या बोला था पाइजिडियम एंड क्लाइट ऑल्सो नॉन एज सिंगुलजेंट होते हैं थ्री सेगमेंट पर फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन पर फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइट बार्ट पर सीटा एबसेंट होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटलम ऑल ऑफ सेगमेंट है अर्थफॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये प्रेजेंट होती है माउथ टू एन तक लाइक फर्स्ट सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रजेंट है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थफॉर्म प्रजेंट इन बिटवीन वन टू वन ट्वेंटी सेगमेंट्स लाइक फर्स्ट सेगमेंट माउथ प्रजेंट माउथ ओपन इन स्मॉल बकल कैविटी इन बक्ल कैविटी की पॉजिशन होती है वन टू थ्री सेगमेंट्स के अंदर कहां प्रजेंट है वन टू थ्री सेगमेंट्स के अंदर बकल कैविटी ओपन होती है फायरिंग्स के अंदर ये मस्कुलर फायरिंग से तो फायरिंग्स जो होती हैं ये थ्री टू फाइव सेगमेंट्स में प्रेजेंट है एंड अर्थम की फायरिंग्स पर एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं नॉन एज क्रोमोफिल सेल्स अर्थम की फायरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है क्रोमोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड क्रोमोफिल सेल्स का फंक्शन होता है इट सेक्रेट द एंजाइम नॉन एज एंडो स्माल मोलिकुल्स के अंदर फर्स्ट इनिशियल डायशन किसका स्टार्ट होता है प्रोटीन का क्योंकि एंडोपैप्टीडेज एनजाइम होते हैं तो आपको याद रखना है कि अर्थम के अंदर फर्स्ट डाइजेशन कहा स्टार्ट होगा फैरिंग्स के अंदर फेरिंग ओपन होती है ईसो फैगस के अंदर ईसोफेगस प्रेजेंट होती है फाइव टू सेवन सेगमेंट के अंदर ईसोफेगस ओपन इन ए गिजार्ड एंड गिजार्ड जो होता है इट इज़ अ हाईली थिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज हाईली थिन एंड मस्कुलर आपका आंसर जाएगा गिजार्ड सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि गिजार्ड प्रेजेंट द वि सेगमेंट ऑप्शन में होगा एड टू नाइन आपका आंसर जाएगा एट एंड एड टू नाइन बाय दे अगर ऑप्शन में केवल एड दे रखा है तो आपका आंसर फिर एड भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गिजार्ड जो होती है एड पर प्रेजेंट होती है और कहाँ तो एटेज होती है नाइन सेगमेंट तक गिरजाट का फंक्शन बोलते हैं गिरजाट की इनर लाइनिंग पर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है क्या प्रेजेंट होती है क्यूटिकल लेयर विद दी हेल्प ऑफ क्यूटिकल गिरजाटाट परफॉर्म दी फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड फूडी गिर का फंक्शन क्या हो गया ग्राइंडिंग ऑफ फूड तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं कि इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल फूड का ग्राइंडिंग स्टार्ट आपको बोलेंगे कहाँ गिरट के अंदर गिरजाट प्रेजेंट इन विच सेगमेंट आपका आंसर आएगा एट या ऑप्शन वो एट टू नाइन तो वो भी करेक्ट हो जाएगा एंड गिरजाट जो होती है ये परफॉर्म करनी क्या फूड को ग्राइंडिंग में मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, के अंदर। हम की की बहुत है। आपको याद भी रखना है कि अर्थम के अंदर जो होते उस सेगमेंट के हाँ तो स्टोमक की लोकेशन आपसे तो पूछे इनविस्ट सेगमेंट स्टोमक प्रसेंट आपका आंसर आएगा नाइन टू थर्टीन और फोर्टीन तक नाइन टू थर्टीन या फोर्टीन तक स्टोमक प्रजेंट होते हैं स्टोमक की एंड्स पर

Gland cells होती। क्या प्रजेंट होती है cells, अर्थम की क्या प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स सिक्रेट दी प्रोटोलाइटिक एंजाइम रिपीट करो मैं inner wall of stomach have gland cell and gland cell secrete the proteolytic enzyme and these enzymes break the large molecule of protein and convert into the small molecule of protein you know Artham stomach can there be का किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा प्रोटीन का फर्स्ट इनिशियल डाइजेशन कहाँ हुआ था फायरिंग्स के अंदर क्योंकि क्रोमोफिल सेल ने क्या सीक्रेट किया था एंडोपैप्टीड इट इज अ ब्रेक दर्ज मॉलिकल ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू द स्मॉल मोलिकल ऑफ प्रोटीन एंड स्टोमक के अंदर भी ग्लैंड सेल सेम फंक्शन कर रही है बट एंजाइम डेम यहाँ क्या है प्रोटोलाइटिक एंड प्रोटोलाइटिक ऑल्सो एक्ट ऑन प्रोटीन एंड ब्रेक द लार्ज मोलिकुल ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन के अंदर स्टोमक की इनर वॉल पर यहाँ पर एकोस्टेक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्सियेरस ग्लैंड क्या बोलते हैं कैल्सियेरस ग्लैंड स्टोमक की इनर वॉल पर प्रजेंट होती है कैल्सीफेरस ग्रैंड एंड कैल्सीफेरस कैल्सी जो होती है होती है स्टोमक के अंदर इट इट्स कैल्सीफेर लाइम कैल्सीफेरस लाइम एंड दीज लाइम न्यूट्राइज दी ह्यूमिक एसिडी अर्थवम के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं कैल्सिफेरस ग्रैंड इट्स एंड दिस लाइम न्यूट्रलाइज दी ह्यूमिक एसिड अर्थवम के अंदर स्टोमक के अंदर जो एसिड बनेगा ह्यूमस के इंटेक करने से उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है

लास्ट एक्सेप्ट लास्ट ट्वेंटी थर्ड टू ट्वेंटी फाइव सेगमेंट तक व्हाट इज मीनिंग एवरी 26 सेगमेंट आफ्टर ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट का मीनिंग हो गया ट्वेंटी सेवन एंड लास्ट के ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी थ्री सेगमेंट्स को माइनस कर दें तो ये प्रेजेंट होती है कहाँ से कहाँ तक फिफ्टी ट्वेंटी सेवन सेगमेंट से नाइन्टी फाइव या नाइन्टी सिक्स सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है क्लियर तो ये इंटरस्टाइन के अंदर जो कैरेक्ट्रेटिक फीचर्स है भाई देव उसका आपसे सेगमेंट्स का नंबर पूछा जाए कि टिफ्लोसोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड पर्देन इन बिटवीन आपका आंसर लेगा 27 टू 95 और 97 सेगमेंट तक या आप यूं भी ले सकते हैं कि स्टार्ट आफ्टर 27 सेवन सिक्स सेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट 23 टू 25 सेगमेंट्स के अंदर आप 25 को 120 सेगमेंट्स में माइनस कर दें तो 95 तक आता है तो आप तो बिल्कुल क्लियर रखें कि सेगमेंट का नंबर टिफ्लोसोल टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या होता है

प्री टिप्लोसोल पार्ट का सेगमेंट नंबर होते हैं फिफ्टी फिफ्टीन से ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट तक नेक्स्ट है टिप्लोसोलर पार्ट किसके यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं टिप्लोसोल के भी यहाँ पर एलिमेंटरी किनाल को थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहे हैं फर्स्ट प्री टिप्लोसल पार्ट प्रजेंट इन बिटवीन 50, 15 टू 26 सिक्स सेगमेंट टिप्लोसोलर पार्ट प्रजन आफ्टर 26 से आफ्टर 26 का मतलब 27 से 95 या 97 सेगमेंट तक और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टिफ्लो सोलर पार्ट एंड पोस्ट टिफ्लो सोलर पार्ट होगा आफ्टर 97 से 120 तक क्लियर तो थ्री पार्ट है टिफ्लो के भी आप पर प्री टिफ्लो सोलर पार्ट टिफ्लो सोलर पार्ट एंड पोस्ट टिफ्लो सोलर पार्ट क्लियर नेक्स्ट अर्थवम की एलिमेंट्री केनाल में वन पेयर इंटरस्टाइनल सीकम प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टाइनल सीकम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ट्वेंटी सेगमेंट टू ट्वेंटी सेगमेंट ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं आप देखें यहाँ डायग्राम में कि 26 सेगमेंट से ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर और 22 तक प्रेजेंट होते हैं एंड इंटरस्टेनल सीकम जो होता है ये सिक्रेड दी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ये क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं क्लियर तो अर्थर्म के अंदर एलिमेंटरी के में इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि फैरिंग्स के अंदर क्रोमोफिल सेल्स होती है जो एंडोपैप्टिटेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है उसके अलावा अर्थम के अंदर फूड का ग्राइंडिंग का होता है गिजराट के अंदर गिज़राट की लोकेशन एट और एट टू तो नाइन सेगमेंट्स होती हैं स्टोमक जो नाइन टू तो थर्टीन सेगमेंट तक होता है स्टोमक के बहुत एंड्स पर स्प्रिटर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमक की इनर वॉल पर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और ग्लैंड ऑल्सो फाउंड इन स्टोमक एंड कैल्सिवेंट

इंटस्टेनल सिकम प्रेजेंट होते हैं वन पेयर है 26 से 22 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं एंड इंटरस्टेनल सिकम जो होता है ये सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नेचर का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं एंड अर्थफम के अंदर लिम्फ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं लिफ ग्लैंड्स होती है वन पेयर इन ईस्ट सेगमेंट इवन लिम्फ ग्लैंड का जो लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ट्वेंटी सिक्स सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होती है क्लियर एंड लिम्फ ग्लैंड क्या करती है लिम्फेटिक सिक्रेशन में हेल्प करती है नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है अर्थवम के अंदर आप जानते हैं द एनेडा का मेंबर है और यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स टू ब्लड वेसल्स होती हैं और टू ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कहाँ पर नेटवर्क के अंदर डिवाइडेड होती हैं इसको बोलते हैं कैपेलरीज वगैरह कैपेरीज तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कैपरीज एंड हार्ट अर्थवम की बॉडी के अंदर फोर पेयर हार्ट्स होते हैं कितने पेयर फोर पेयर सेवन ऑन सेगमेंट पर वन पेयर नाइन सेगमेंट पर वन पेयर

फ्लो ऑफ ब्लड इन विच डायरेक्शन आपका पॉस्टीरिया टू एंटीरियर वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंसल के अंदर ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा पॉस्टीरिया टू एंटीरियर एंड वेंटल वेस के अंदर ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन जो होगा एंटीरियर टू पॉस्टीरिय होता है तो बिल्कुल यह क्लियर रखें कि डॉर्सल वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है पोस्टीरियर टू एंटीरिया यानी कि बॉडी के पीछे से आगे की और आप यह भी हो सकते हैं बैकवर्ड टू फॉरवर्ड बट वेंटल वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो कडेक्शन का होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर यानी कि क्या होगा फॉरवर्ड टू बैकवर्ड तो क्लियर डोरसल वैसल्स एंड वेंटल वैसल्स नेक्स्ट है ब्लड को फॉर्म करने के लिए अर्थवम के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्लड ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें आप ब्लड ग्लैंड हाउ मनी थ्री पेयर इन विच सेगमेंट ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट आपका जाएगा फोर फाइव एंड सिक्स सेगमेंट यानी थ्री पेयर ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होती है इन फोर फाइव सिक्स सेगमेंट्स के अंदर एंड ब्लड ग्लैंड का जो फंक्शन है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन क्या करती है ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है एंड आपको याद रखना है कि अर्थवम के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है डिजोल्व होता है कहाँ पर प्लाज्मा के अंदर तो रिपीट कर रहे हैं थ्री पेयर ब्लड ग्रांड्स इन इनविथ सेगमेंट फोर फाइव सिक्स सेगमेंट पर एवरी सेगमेंट पर वन वन पेयर वन पेयर फोर सेगमेंट पर वन पेयर फाइव सेगमेंट पर वन पेयर सिक्स सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंड जो हर्थोम के अंदर ब्लड ग्लैंड का फंक्शन होता है इट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन बट हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा वाई हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा आप आपका ड्यू टू एबसेंस ऑफ आर बी सी अर्थोम के ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट है हीमोग्लोबिन डायरेक्ट कहां पर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर क्लियर तो आरबीसी एब्सेंट होता है यहां पर ब्लड सेल्स जो होती हैं फेगोसाइटिक इन नेचर होती हैं यहां पर क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं डब्ल्यू बी सी प्रजेंट होती है नेक्स्ट है ब्लड का रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन आरबीसी एब्सेंट है And इस तरह का ब्लड इट मीन जहां आरबीसी एबसेंट हो हीमोग्लोबिन डायरेक्ट डिजोल प्लाज्मा के अंदर ब्लड नॉन एज इथ्रोक्रॉनिन नॉन एज इथ्रोक्रॉनिन ऑल्सो नॉन एज इंटरसेलर है हीमोग्लोबिन इट मीन अर्थम का जो ब्लड है इसके अंदर आरबीसी एबसेंट है

डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो होती है वो थर्ड सेगमेंट से 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है कहाँ से थर्ड टू 120 ट्वेंटी सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है डोर्सल वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी के पॉजिटिव पार्ट से एंटीरियर पार्ट की ओर होता है तो ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन डॉर्सल वेसल्स के अंदर होगा पॉस्टीरिया टू एंटीरियर क्लियर फोर फिर हार्ट होते हैं सेवन और नाइन्थ सेगमेंट के अंदर हार्ट है इनको बोलते हैं लेटरल हार्ट क्या बोलते हैं इनको लेटरल हार्ट हारमनी

वेसल है थर्ड टू 120 ट्वेंटी सेगमेंट्स में प्रजेंट होती है वेंटल वेसल जो होती है ये सेकेंड टू 120 ट्वेंटी सेगमेंट्स में प्रजेंट है सेकेंड टू 120 ट्वेंटी सेगमेंट्स में प्रजेंट तो सेगमेंट के नंबर आपको याद रखना है कि इनवी सेगमेंट डॉर्सल वेसल्स प्रजेंट थर्ड टू 120 इन विच सेगमेंट वेंटल वेस प्रजेंट से बट इंडायरेक्टली डोरसलैसेस से वन टू थ्री राइज होती है जो फर्स्ट सेगमेंट तक होती है कि डोरसल वेसल होती है ये पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है बट जो फर्स्ट सेगमेंट से यहां पर थर्ड सेगमेंट है उससे थ्री स्मॉल वेसल राइज होती है फर्स्ट सेगमेंट तक होती है आप बोल सकते हैं डॉर्सल वेसल लॉन्गेस्ट ब्लड वेस इन अर्थ होम वेंटल वेसल सेकेंड से वन ट्वेंटी है डोरसल वेसस थर्ड से 120, ट्वेंटी बट जो थर्ड सेगमेंट से उस पर थ्री वैसस राइज होती है जो कहाँ कनेक्ट होती है फर्स्ट सेगमेंट में यदि डॉर्सल वेसस पूरी बॉडी में ही प्रजेंट है फुल लेंथ में प्रजेंट है तो अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट ब्लड वैसेस ये अर्थम आपका आंसर रहेगा डोर्सल ब्लड वेसल नेक्स्ट अर्थवम के वेंटल ब्लड वेस जो होती है ये सेकेंड से वन ट्वेंटी सेगमेंट्स से प्रजेंट होती है जो थर्ड थर्ड ब्लड वेस है उसको बोल रहे हैं सब न्यूरल सब निर्वेज जो होती हैं वन सेगमेंट से स्टार्ट होती हैं अपोजिट डायरेक्शन से 120 सेगमेंट से स्टार्ट होती है 14 तक तो ये सिंगल होती है 14 तक तो ये क्या होती है सिंगल उसके बाद यहां पर आकर ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है लेटर ईस ऑफ के अंदर कहाँ डिवाइड हो जाएंगे ये लेटरल ईस ऑफ के अंदर तो सब निर्वेस जो होती हैं वो लेटरल ईस ऑफ में डिवाइडेड होती हैं सेकेंड से थर्ड सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है सेकेंड से थर्टीन तक नेक्स्ट टेन और इलेवन सेगमेंट के अंदर एंटीरियर लूप प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट है एंटीरियर लूप तो इन विस सेगमेंट एंटीरियर लूप प्रजेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर आएगा टेन एंड इलेवन सेगमेंट्स के अंदर क्लियर तो इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि क्लोज टाइप का ब्लड वैसकुलर सिस्टम होता है टू ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डिवाइडेड होती है कैपिलरीज के अंदर क्लियर ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन बट हीमोग्लोबिन डीजल होता है कहां प्लाज्मा के अंदर क्योंकि अर्थम के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है और ब्लड को बोलते हैं इरिथ्रोक्रोनिन और इंटरसेलर हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं ब्लड को इरिथ्रो इरिथ्रो हम इरिथ्रोक्रोनिन और इंटरसेलर हीमोग्लोबिन लाइक ये इरिथ्रोक्रोनिन और इंटरसेलर हीमोग्लोबिन नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम लेते हैं हम लोग अर्थवम के अंदर वेल डिफाइंड रेस्पेटी ऑर्गन्स नहीं होते हैं डायरेक्ट होता है और रेस्परेशन होता है किसके थ्रू मॉइस स्किन के थ्रू रेस्परेशन किस में हो रहा है मॉथ इसको भी अर्थवम के अंदर लेक स्पेशलाइज ब्रीथिंग डिवाइस होती है कोई वेल डिफाइंड रेस्पेटी ऑर्गन रेस्पेटी ऑर्गन्स नहीं है रेस्परेशन ऑर्गन एबसेंट है बट रेस्परेशन प्रेजेंट है और रेस्परेशन होता है थ्रू मॉइस स्किन के थ्रू और मॉइस स्किन के थ्रू रेस्परेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्परेशन नॉर्मली अर्थवम के अंदर नॉर्मली अर्थम के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट है बट विदाउट ऑक्सीजन दाउट ऑक्सीजन अर्थम सर्वाइव करता है नियर अबाउट सिक्स टू नियर अबाउट सिक्स टू थर्टी हावर तक नॉर्मल अर्थफम के अंदर एरोबिक रेस्पेशन प्रेजेंट और अगर आप अर्थफम के ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है तब भी अर्थफम सर्वाइव कर जाता है नियर अबाउट सिक्स टू थर्टी आवर्स तक इस ड्यूरेशन के अंदर अर्थम ने जो रेस्पेशन किया है इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव क्या बोल रहे हैं इसको फैकल्टेटिव एनरोबिक रेस्परेशन एनरोबिक रेस्पारेशन तो नॉर्मली तो नॉर्मल एरोबिक रेस्परेशन है बट अर्थम के अंदर फैकल्टेटिव एनरोबिक रेस्परेशन भी प्रेजेंट होता है ये या आपको याद रखना है नेक्स्ट लेते हैं एस्किटिव सिस्टम अर्थम के एस्कटी ऑर्गन होते हैं नेफ्रीडिया क्या है ये नेफ्रीडिया स्मॉल स्मॉल ट्यूबल्स होती हैं अर्थम के अंदर ये तो एस्क्रिटी ऑर्गन क्या है नैफ्रीडिया और नेफ्रीडिया जो होते हैं ये एस्कटि मैटर जो होते हैं उसको रिमूव करते हैं लेकिन अर्थम का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पड़ जाता है सीलोमिक फ्लूड के अंदर एंड अर्थम के एस्कटि प्रोडक्ट को हम बोलते हैं यूरिया क्योंकि सीलोमिक फ्लूड के अंदर जो यूरिया है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए स्मॉल स्मॉल ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं नैफ्रीडिया तो एस्केटी ऑर्गन्स ऑफ और आपसे सॉरी अर्थम पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा नैफ्रीडिया एंड अर्थम जो होता है क्या होता है नॉर्मली यूरियोटेलिक एनिमल होता है क्योंकि इसका कि एस्केटी प्रोडक्ट क्या है यूरिया बट ड्यूरिंग रेनी सीजन ये अमोनोटेलिक भी हो जाता है तो बहुत क्लियर रखें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एस्क्रीशन अर्थम इज तब आप बोलेंगे यूरियोटेलिक एनिमल क्या बोलेंगे यूरियोटैलिक क्योंकि नॉर्मली अर्थवम इज ए यूरियोटेलिक बट वेन मॉइस्चर इज मॉर जब रेनी सीजन होता है जब अर्थम की सॉयल या बरों में पानी वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा या वाटर डिपॉजिट हो जाएगा तो अर्थम जो होते हैं वो अमोनियाटेलिक हो जाते हैं क्योंकि अमोनिया को ये डायरेक्ट डिस्चार्ज करते हैं बहुत क्लियर क्वेश्चन होगा वेन पेलेंटी ऑफ वाटर एक्सेसिव इन सराउंडिंग मीडियम ऑफ अर्थवम देन अर्थवम तब आप बोलेंगे अमोनोटेलिक ये एक्सेसिव मॉइस्चर हो वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तब तो अर्थवम नेचर में क्या होंगे एस नेचर में अमोनोटेलिक बट नॉर्मली जो अर्थ होता है वो यूरोटेली की होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजिशन थ्री टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर परसेंट आपको बहुत जनरलाइज फंक्शन याद रखना है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पॉजिशन थ्री टाइप के नेफ्रीडिया होते हैं फर्स्ट नेफ्रीडिया को हम बोलते हैं नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया को हम बोल रहे हैं नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया को बोल रहे हैं ने नेफ्रीडिया और थर्ड नेफ्रीडिया को हम बोल रहे हैं फेरेंसियल नेफ्रिडिया किसके भी पर डिवाइड किया बॉडी पोजिशन के भी यहाँ पर सेप्टल होते हैं ये प्रजेंट होते हैं अर्थम की बॉडी कैविटी जो होती है वो डिवाइडेड होती है ये बॉडी कैविटी है और ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती इन है इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टा इट इज ऑल्सो नॉन एज सिलो सेप्टा सिलो सेप्टा दो चीजें आ रही हैं यहां पर वर्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड आपने पढ़ा था इंटर सेगमेंटल ग्रूव व्हाट द फंक्शन ऑफ इंटर सेगमेंटल ग्रूव आंसर कहता है डिवाइडेड दी बॉडी वॉल बट बॉडी कैविटी आल्सो डिवाइडेड इन दी अर्थम एंड बॉडी कैविटी ऑफ अर्थम डिवाइडेड बाय आपसे पूछा जाए आप कहां जाएगा इंटर सेगमेंटल सेप्टा

ऑन दी बेसिस ऑफ बॉडी पोजिशन थ्री टाइप ऑफ नेफिडिया पर्जन होते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ नैफीडिया नॉने सेप्टलिया सेप्टनिया पर्जेंट द बोथ साइड ऑफ सेप्टा या इंटर सेगमेंट ऑफ सेप्टा ऑलसो नॉनेज सीलो सेप्टा इन बिटवीन फिफ्टीन टू वन ट्वेंटी सेगमेंट एंड सेप्टनिडिया ओपन इज साइड द एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल के अंदर ओपन होते हैं कहाँ पर इंटरस्टाइन के भी पर्टिकुलर पार्ट रैक्टम के अंदर सेप्टल नेफ्रिडिया ओपन इनसाइड साइड द एलिमेंट्री कैनाल पर्टिकुलर इंटस्टाइन एंड इंटस्टाइन के अंदर लास्ट पार्ट रेक्टम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया की जो डक्ट होती है वो इंटस्टाइन के लास्ट जो तो पार्ट जो होता है रैक्टम वहाँ पर जाकर ओपन हो जाती है और एसकिटी मैटर को डिस्चार्ज करती है अर्थों के रैक्टम के अंदर फिंगर लाइक फॉल्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रैक्टल पैपीली क्या बोलते हैं रैक्टल पैपीली इंसाइड द रैक्टम फिंगल फॉल्स परजन एंड दीज फिंगल लाइक फॉल्स नॉन एज रेक्टल पेपिली एंड दीज रेक्टल पेपली एब्सॉर्ब द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम वेस्ट जो नाइट्रोजन वेस्ट है जिसको रेक्टम में रिट ट्रांसफर किया सेप्टन नेफेडिया के थ्रू उसमें कोई बचा खुचा पानी है या एक्सेसिव वाटर है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन <coughs> रेक्टम के अंदर रेक्टल पेपली ताकि वाटर लॉस ना हो तो सेप्टन नेफेडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं बहुत क्लियर याद रखना है सेप्टन नेफेडिया बोथ साइड ऑफ सेप्टा प्रजेंट होते हैं 15 टू 120 सेगमेंट के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं सेप्टन नेफेडिया एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट लाइक कि रैक्टम में ओपन होते हैं वहाँ पर ओपन हो रहे हैं इनसाइड द एलीमेंट्री के इसके इसलिए हम नेचर में बोलते हैं एंटीरो नेफ्रिक नेचर में एंटीरोनेफ्रिक या इसका एक और नाम आप बोल सकते हैं एंडोनेफ्रिक व्हाट इज द मीनिंग इट मीन इंसाइट द एलिमेंट्री के नाम ओपन हो रहे हैं वो क्वाई क्योंकि वाटर लॉस को ये बचा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सेकंड नेफरे होते हैं इंटेगमेंट्री ने एंटेगमेंट्री नेफ्रिया जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल पर बॉडी वॉल पर प्रेजेंट है और थर्ड से 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं तो इन विच सेगमेंट इंटरमेंट इन एफिडिया पढ़ते हैं आंसर आएगा थर्ड टू 120 सेगमेंट एंड एवरी सेगमेंट पर जो होते हैं यहाँ पर इंटरमेंट इन एफिडिया एवरी सेगमेंट पर 200 टू 250 हंड्रेड फिफ्टी होते नंबर में 200 टू 250 तो इन विच सेगमेंट इंटरमेंट इन एफिडिया पर दिन थर्ड टू 120 क्लियर कहाँ पर है बॉडी वॉल पर हॉमनी नंबर इन द एवरी सेगमेंट लाइक थर्ड पर फोर्थ पर 120 तक 200 टू 250 होते हैं एंड इंट्रोकोमेट्री ने जो होते हैं ये क्लाइटनम वाले रिजम पर आपको मिल जाएगा है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि क्लाइटनम को आपको सेगमेंट के नंबर याद रखना है क्लाइटम को आपको फंक्शन याद रखना है और क्लाइटन की आपको जो फंक्शन है उस तो जो काकोन फॉर्मेशन उसकी आपको काकोन की साइज़ याद रखना है तो क्लाइटिलम पढ़ने होता है 14, 15, 16 सेगमेंट पर क्लाइटलम का फंक्शन होता है कॉकोन फॉर्मेशन और काकोन की साइज हमने एस्टनल माफो में देखा था टू से टू पॉइंट मिलीमीटर mm. लाइक जहाँ पर क्लाइटन वाले रीजन पर इस, पो, इस पार्ट को इंटेगिमेंट्री नैफ्रेडिया ने को हम बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटेगिमेंट्री नैफ्रीडिया Why collateral non forest of integumentary nephridia Because due to presence of number of nephridia I mean every segment per 200 to 250 naphridia, but collateral reason per year ten times more so than near about 2000 to 2500. सो इट इज अल्ड फॉरेस्ट ऑफ नैफ्रीडिया क्लियर एंड इंटोमेटी बॉडी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं सो ओपन आउटसाइड दॉडी वॉल सो इन नेचर एक्जोने क्या कहलाती है नेचर में कहलाते हैं एक्जोनेफ्रिक बट जो एलिमेंटरी केनाल के अंदर ओपन हो रहे हैं उसको हमने बोला था एंटीरोफ्रिक या एंडोनेफ्रिक नेक्स्ट इन लास्ट थर्ड टाइप ऑफ नैफेडिया होते हैं फेरेंजलिडिया ये ग्रुप की फॉर्म में प्रजेंट है टफ ग्रुप

एंडिंग बक्लिटी और फेरिंग में ओपन हो रहे हैं so, so nature, के part में भी, के अंदर. तो यह भी एंडोनेफ्रिक है दोनों क्या कर रहे हैं वॉटरलॉस को बचा रहे यहां पर <coughs> तो थ्री टाइप ऑफ नेफ्रिडिया और फेरेंजल नेफ्रेडिया एंड द थ्री टाइप में आउट ऑफ विच टू टाइप एक्सेप्टल और फेरेंजल नेफ्रीडिया ओपन इनसाइड द एलिमेंट्री के सो इन नेचर कॉल्ड एंटीरोन एफ्रिक या एंडोन एफ्रिक ओनली वन टाइप ऑफ नाइफ्रेडिया ओपन आउटसाइड द बॉडी बॉल इट इज कॉल्ड इंटेगिमेंट इन सो इन नेचर एक्सडोन एफ्रिक एंड एवरी सेगमेंट ऑफ नाफ्रेडिया पर क्या प्रेजेंटेड इन एवरी सेगमेंट ऑफ बॉडी पर इंटरमीडिएट नैफ्रेडिया के नंबर होते हैं 200 हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी बट इट टेन टाइम मोर्स होते हैं कहाँ पर क्लाइटलम के अंदर सो क्लाइटलम ऑल्सो नॉन इज फॉरेस्ट ऑफ नैफ्रेडिया अर्थम के अंदर नॉर्मली मेनली जो बात करें हम लोग सेंट्रल नर्व सिस्टम प्रजेंट होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड देंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है इट फॉर्म बाय द फीजन ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रेक्चर द ब्रेन रिंग और नारोकॉल ब्रेंडिंग ऑल्सो नॉन एज ब्रेंडिंग ऑल्सो नॉन एज नर्वरिंग तो मेनली तो सेंट्रल नर्व सिस्टम है बट पैरिफेल नव सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं और लैक डेवलप ऑटोनोमस नर्व सिस्टम भी प्रेजेंट होता है तो थ्री टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्व सिस्टम पेरीफेलनाव सिस्टम और ऑटोनोमस बट ऑटोनोमस जो होता है या तो एक्शन बोलते हैं या तो साइंटिस्ट या वेरी लैक बहुत ही कम डेवलप होता है मेनली जो होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम है एंड इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एक तो नर्व रिंग इट इज ऑल्सो नॉन द ब्रेन रिंग एंड सेग होता है नर्व कॉर्ड सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर सैरिबल गैंगलिन जो होता है इट इज ए डॉर्सली ये फॉर्म करता है एक नर्व रिंग को जब ये डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर और ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर जो सैरिबल गैंगलिन होते हैं इट इज अ वर्क लाइक ए ब्रेन लाइक फंक्शन ये मस्कुलर कमांड इन वॉलंट्री वॉल्ट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं एंड सेकेंड जो होता है वेंटल साइड पर पड़ते होता है क्या नावकॉड एंड अर्थम का नावकोड जो होता है इट इज ऑल्सो डबल सॉलिड एंड वेंटल होता है क्या होता है डबल सॉलिड एंड वेंटल क्लियर अर्थम के नावकॉड पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोड क्या बोलते हैं न्यूरोड एंड डिडोप्रजस ऑफ न्यूरोड डिप्रेंजेंस ऑफ न्यूरोड अर्थम गिव रैपिड रेस्पॉन्स नावकॉड क्या है डबल सॉलिड एंड वेंटल ड दिस इज द यूनिक फीचर्स ऑफ फेरिटीमा डाय से एक्सप्लेन करते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम का डायग्राम है ये टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है लाइक ए ब्रेन रिंग और नर्व रिंग ये रिंग दिख रही है आपको यहाँ पर इसको नर्व रिंग भी बोल रहे हैं या ब्रेन रिंग क्योंकि यहां ब्रेन भी प्रेजेंट है और इट इज ए कॉर्ड विस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ अर्थ फॉर्म आपका आंसर जाएगा सुपरा फेरेंजियल गैंग्लियन बहुत क्लियर रखें कि विस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट दी ब्रेन रिंग ब्रेन ऑफ अर्थ फॉर्म आंसर सुपरा फेरेंजियल गैंग्लियन क्योंकि ब्रेन लाइक एक्टिविटीज कर रहा हैं मस्कुलर कमांड्स को वॉलंट वॉलंट्रीन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं एंड सुपरा फेरेंजियल गैंग्लियन आल्सो नोन एज सेरिब्रल गैंग्लियन सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थफॉर्म के अंदर इन इनविस सेगमेंट ब्रेन ऑफ अर्थफॉर्म प्रजेंट या इन इनविस सेगमेंट सुपरा फेरेंजियल गैंगलियन प्रजेंट आंसर जाएगा थर्ड सेगमेंट एलिमेंट्री कैनाल की वेंटल साइड पर ही वेंटल साइड पर एक और अनदर टाइप ऑफ गैंगलियोन होता है जिसको हम बोलते हैं सब फेरेंजियल गैंगलियन क्या बोलते हैं इसको सब फेरेंजियल गैंगलियन सुप्रा फेरेंजियल गैंगलियोन पड़ होता है थर्ड सेगमेंट पर सब फेरेंजियल गैंगलियन पड़ होता है फोर्थ सेगमेंट पर एंड इट परफॉर्म दू टाइप ऑफ फंक्शन control the locomotion and second function it is the principal motor area so repeat The central nerve system is formed by the fusion of two types of structure suprapharyngeal ganglion and sub-pharyngeal ganglion what are the function of suprapharyngeal ganglion Probably it represents the brain of earth form and what are the functions of sub-pharyngeal ganglion it performs the two type of function कंट्रोल दी लोकोमोशन या सेकेंड होगा प्रिंसिपल मोटर एरिया यदि भी सुपरा फेरेंजियल गैंगलियन को सब फेरेंजियल गैंगलियन से इंटरकनेक्टेड करने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सरकम फेरेंजल कनेक्टिव क्या बोल रहे हैं इसको सर्विस से यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट के इन बिटवीन एग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन रिंग और नार्वरिंग एलिमेंटी के ना कि वेंटल साइड पर नॉर्वकोट परजेंट होता है एंड नॉर्कोट जो होते हैं नेचर में होते हैं डबल सॉलिड एंड तो सेम कॉकरोच की तरह ही यहाँ पर नावकोट है वहाँ भी डबल सॉलिड एंड वेंटल बोला था अर्थम के नावकोट का भी टाइप आपसे पूछा जाए आप आपका आंसर आएगा डबल सॉलिड एंड वेंटल एंड एवरी सेगमेंट पर सेगमेंटल गैंगलियंस प्रेजेंट होते हैं क्लियर तो आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच का अर्थम का जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप की स्ट्रक्चर से बना हुआ है नव रिंग और नवकोड नव रिंग ऑल्सो नॉन इज ब्रेनिंग टू प्रेजेंस ऑफ ब्रेन एंड विस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ब्रेन ऑफ अर्थम सुपरा गैंग्लियन गैंगलियन ऑल्सो नॉन इज सीब्रल गैंगन

बाइसेक्सल ऑल्सो नॉन एज मोनोसियस एनिमल्स बोलते हैं यहाँ पर आपको कौन से स्ट्रेक्चर जो है इंपॉर्टेंट से उसको आपको यहाँ पर फंक्शन वाइज याद रखना है आपको फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही डायग्राम के अंदर है क्योंकि अर्थवम क्या है हर में फोडाइड एनिमल्स है मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको याद रखना है कि इन विस सेगमेंट टेस्टिस परसेंट आंसर रहेगा टेन टू इलेवन सेगमेंट हॉमनी टेस्टिस टू पेयर वन पेयर टेंथ सेगमेंट पर वन पेयर इलेवेंथ सेगमेंट पर टेस्टिस जो होते हैं मीजोडर्मल इन ऑरिजन होते हैं कहा होते हैं मीजोडर्मल इन ऑरिजन एंड टेस्टिस कवर्ड होते हैं सेक से जिसको बोलते हैं टेस्टिस सेक तो टेस्टिस सेक की लोकेशन पूछें या टेस्टिस की लोकेशन पूछें आपका आंसर सेम जाएगा टेन एंड इलेवन सेगमेंट एंड हाउ मनी आप बोलेंगे टू पेयर वन पेयर टेंथ सेगमेंट पर वन पेयर इलेवन सेगमेंट पर और टेस्टिस नेचर में क्या होते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजन टेस्टिस से डक्ट निकलती है इसको बोलते हैं डक्ट डक्ट फनल होती है और टेस्टिस से ही अटेड होती है एक पाउच लाइक -like, बेग लाइक -like स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते है, हैं सेमिनल वेसाइकल इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें सेमिकल वेसाइकल आल्सो इन नंबर टू पेयर होते हैं इलेवन एंड ट्वेल्व सेगमेंट्स पर ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर होते हैं इलेवन एंड ट्वेल्व टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं टेन इलेवन सेगमेंट पर सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होती है कहाँ पर इलेवन एंड ट्वेल्व सेगमेंट के अंदर एंड अर्थम के सेमिनल वेसाइकल के अंदर एक ए प्रोटोजोवन प्रेजेंट होता है ए एप्रोटोजोवन इसका नाम है मोनोसिस्टिस मोनोसिस्टिस पैरासाइट है ये अर्थों की सेमिनल वेसाइकल के अंदर डेफिनेटली सभी अर्थों के अंदर नहीं हुआ जिन भी अर्थों के अंदर सॉइल से ये ट्रांसफर हो जाए कौन प्रोटोजोन जिसका नाम है मोनोसिस्टिस कर देते हैं ये को कर देते हैं और मेल के अंदर एक डिजीज को जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टलिटी तो रिपीट कर रहा हूं मैं अर्थम सेमिनल व्यवसाय के अंदर एक पैरासाइट प्रेजेंट हो सकता है इसका नाम हैिटी इन मेल नेक्स्ट स्पर्मेटिक डक जो होती है सेमिलर वेसाइकल जो होती हैं वो ओपन होती है वासा डिफरेंशिया के अंदर कहाँ ओपन होगी वासा डिफरेंशिया के अंदर एंड वासा डिफरेंशिया ऑल्सो नॉन एज इस्पेमेटिक डक वासा डिफरेंशिया जो होती है वो ओपन होती है कहाँ हो कहा से टेन इलेवन सेगमेंट से और अराइज कहाँ तक कहाँ तक होंगी रन कहाँ तक करेंगे एटीन से रिपीट कर रहा हूँ टेस्टिस टेन इलेवन सेगमेंट के अंदर होते हैं टेन पर वन पेयर इलेवन पर वन पेयर सेवनर वेसाइकल जो होती है इलेवन और ट्वेल्थ सेगमेंट पर होती है वन वन पेयर एंड टेन इलेवन के इन बिटवीन से ही वासर डिफरेंस जो होती है जो रन करती है कहाँ तक एटीन सेगमेंट तक क्लियर एंड फाइनली अर्थम के अंदर यहाँ सेवनटीन और नाइनटीन सेगमेंट पर प्रजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रजेंट इन बिटवीन सेवनटीन टू ट्वेंटी नॉट सेवेंटीन एंड ट्वेंटी सेवनटीन टू ट्वेंटी

तो इन भी सेगमेंट एसेसिक लैंड पड़ते आपका आंसर आएगा सेवनटीन एंड नाइनटीन सेगमेंट एंड एसेसिक लैंड जो होती है सिक्रेट दिस स्लाइमी फ्लूड ऑन द एपेक्स ऑफ जेनेटल पैपिली में एस्ट्रोमोफोलॉजी के अंदर डायग्राम में सेवेंटीन और नाइनटीन सेगमेंट में हमने बोला था एस एस गलैंड होती हैं जो टू अर्थम को बाइंडिंग में हेल्प करती हैं तो बाइंडिंग में जो फ्लूड जो मेटेरियल चाहिए उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर क्या लगी होती है एस ग्लैंड इनकी सेम पोजीशन है कि जेनाइटल पेपेली की लोकेशन पूछे तब भी आपका आंसर सेवनटीन और नाइनटीन सेगमेंट जाएगा एस ग्लैंड का भी लोकेशन पूछे तब भी आपका आंसर सेवनटीन एंड नाइन्टीन सेगमेंट जाएगा नेक्स्ट है फीमेल रिक के अंदर वन पेयर ऑबेरी प्रजेंट होती है मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर हर्मो है हम सेगमेंट वाइज स्टडी करें टेस्टिस प्रजेंट होता है टेन इलेवन के अंदर ऑवरीट होती है 12 13, इंटर सेग्मेंटर 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 पर Normally, 13 पर होती है तो अगर one word option आ जाए कि इन विच सेगमेंट ऑवेरी 10, टेन इलेवन 13 तब आपका आंसर आएगा थर्टीन अगर वन वर्ड ऑप्शन है ऑप्शन पेयरिंग की फॉर्म में टेन इलेवन इलेवन 13 एंड थर्टीन एंड फोर्टीन तब आपका आंसर जाएगा ट्वेल्व एंड थर्टीन सेगमेंट तो रिपीट कर रहा हूँ इन विच सेगमेंट ऑवेरी ऑप्शन में आंसर सिंगल वर्ड है थर्टीन सेगमेंट बोलना है बट पेरिंग की फॉर्म में दे रहा है तो ट्वेल्व एंड थर्टीन सेगमेंट पर क्या बन जाते हैं ऑवेरी ऑवेरी जो होती है ओवरीडक् फाइनल से ओपन होती है क्लियर तो फाइनली ये ओपन हो जाती है फोटीन सेगमेंट के अंदर और आप जानते हैं फोर्टीन सेगमेंट में क्या होता है फीमेल गोनोपोर वहाँ से एक्स को ये रिलीज करेंगे तो बहुत ईजी है टेस्टिस के सेगमेंट में आपको याद रखना है सेमिनलर वेसाइकिल के सेगमेंट के नंबर याद रखना है ओवरी कहाँ प्रेजेंट थर्टीन या ट्वेल्व एंड थर्टीन इंटर सेगमेंट पर और ओवरी डक की हेल्प से ओवरी ऑबरी डप की हेल्प से कहाँ पर होती है फोर्टीन सेगमेंट पर जहाँ पर फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है क्लियर नेक्स्ट अर्थफॉर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इट इटमीन्स जो होते हैं अर्थफॉर्म के अंदर टू अर्थफॉर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस को क्लियर कर लें एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन टू अर्थम कम्स आउट दिय बरोज इन अर्थम के अंदर रेनी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन होता है टू अर्थम जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे एंड फाइनली वन यहाँ फाइव टू नाइन्थ सेगमेंट और ये एटीन जानते हैं फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम फाइव टू नाइन क्या इस पर मैथिका और एटीन पर क्या होता है मेलगोनोपोल यह अपोजिट हो जाएगा इसके यहाँ वन और यहाँ फाइव टू नाइन्थ सेगमेंट पर पर मैथिका और इसके नीचे एटीन इनमें यह पॉजिशन होती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं न्यूरो हार्मोन अर्थम के ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है इसको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन और उसके इफेक्ट से एटीन सेगमेंट से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो नीचे वाले अर्थम की बॉडी में फाइव टू नाइन सेगमेंट के अंदर ओपन होती है नीचे वाले अर्थों की एटीन सेगमेंट से भी एक स्किन की आउटग्रोथ से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो फर्स्ट अर्थम जो ऊपर वाला अर्थम उसके फाइव टू नाइन सेगमेंट के अंदर एंटर करती है इस टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉप्यूलैटरी ट्यूब और कॉप्यूलेटरी पैक्स स्किन की आउटग्रोथ से बनता है टेम्प्रेरी नॉर्मल नहीं होती है एट द टाइम ऑफ रेनी सीनियर रिप्रोडक्शन के टाइम ही जो ब्रेन से जो ब्रेन क्या है सुपरा से एक हार्मोन निकलता है इसको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन न्यूरो हार्मोन के अंदर से अर्थों के अंदर जेनेटल एक्टिविटीज होती है ना रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और टू अर्थों की बॉडी में जो जस्ट जस्ट अपोजिट जो वर्ड यूज के कर रखा आपके है आपके एनसीआरटी ने ये पोजिशन है जस्ट अपोजिट दो अर्थों में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रेक्ट में आएंगे तो ऊपर वाले आर्टीन सेगमेंट जो मेलगोन है वो नीचे वाले अर्थों के में एंटर करेगा निचले अर्थम का जो आईटीन सेगमेंट जो मेरे दोनों है वो ऊपर वाले फाइव टू नाइन सेगमेंट में एंटर करती है किसके हेल्थ से कॉपोरेटिव ट्यूब या कॉपोरेटिव पैक पे, के हेल्प से और यहीं से सबसे पहले स्पम्प को ट्रांसफर किया जाता था लेकिन अर्थम के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये नीचे वाले अर्थम से स्पम कहाँ ट्रांसफर होंगे ऊपर फाइव टू नाइन में इवन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन अर्थम के अंदर स्पम्प पहले ट्रांसफर होते हैं बाद में ओवम का ट्रांसफर होता है लेकिन अर्थम के अंदर क्या होते हैं प्रोटेंड्रस प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है टू टाइप की कंडीशन होती है डायवर्सिटी के अंदर गाइनेड्रस और प्रोटेंड्रस कंडीशन प्रोटेंड्रसपम ट्रांसफर बिफोर होम इसमें यहाँ पर अर्थों के अंदर सबसे पहले क्या होंगे स्प्रम ट्रांसफर होते हैं तो स्प्रम ट्रांसफर होते हैं बिफोर ओमम जैसे अर्थम को हम बोलते हैं प्रोटेंड्रस एनिमल क्या बोल रहे हैं इसको प्रोटेंड्रस एनिमल अब जैसे स्प्रम यहाँ ट्रांसफर हुए क्लियर नेक्स्ट अब एक्टिविटीज स्टार्ट होती है कहाँ पर क्लाइटलम वाले रीजन पर क्लाइटलम वाले रीजन पर एंड क्लाइटलम जो जानते हैं आप जानते हैं कहाँ प्रजेंट होता है क्लाइटलम फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेगमेंट के अंदर जैसे क्लाइटलम के यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट होंगी इस क्लाइटलम पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉकोन तो क्लाइटलम का फंक्शन क्या होता है कॉकोन फॉर्मेशन नेक्स्ट कॉकोन के अंदर फोर्टीन सेगमेंट से यहाँ पर ट्रांसफर होंगे क्या एक्स और फाइव टू तो नाइन सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट है स्पम्प अर्थवर्म के अंदर जैसे कॉकून बनता है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेगमेंट पर रिंगलिंग मूवमेंट स्टार्ट होती है जैसे कॉकून का फॉर्मेशन होगा एक्स का ट्रांसफर होगा अब अर्थवर्म के अंदर क्या होगा रिंगलिंग मूवमेंट यानी अर्थवम जाता है बैकवर्ड काकून जाएगा फॉरवर्ड यानी फोर्टीन से कॉकुन का आएगा थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन जब ये कॉकून नाइन टू टेन सेगमेंट पर ट्रांसफर होगा तो यहीं पर इमीजिएट यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर देते हैं स्पम्प्स

और जो ग्लैंडसल्स जो मैंने आपको बताई थी आपको यहाँ पर जो कहाँ प्रदर्ट होती है कॉकून के अंदर वैक्स को क्या प्रोवाइड कर देती ग्रेंट है न्यूट्रेशन ग्लैंडसल्स क्लाइटम प्रोड्यूस करती हैं और यहीं पर न्यूट्रेशन मिल जाता है इसके अंदर नेक्स्ट है मैचर्स जो रहते हैं सेल्स जो होती हैं वो न्यूट्रेटिव फ्लूड डिपोजिट है कॉकून के अंदर तो काकून के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए जो होती हैं वहां पर ग्लैंड्स क्या करती हैं न्यूट्रेटिव फ्रूट का सिक्रेशन करती हैं ताकि डायगोड को या एम्ब्रियो को क्या मिल जाए न्यूट्रेशन मिल जाए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अगर होता है कोकून के अंदर इनसाइड दी कोकून बट कोकून कहाँ मर रहा है आउटसाइड दी बॉडी इसलिए हम वर्ड यूज कर है, रहे हैं एक्सटर्नल बहुत क्लियर रखें कॉकरोच के अंदर अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन तो आप बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट अर्थफम के अंदर फिच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट आप बोलेंगे क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्लियर नेक्स्ट आफ्टर थ्री वीक ईच कोकून प्रोड्यूस टू टू ट्वेंटी बेबी फेरेटीमा यानी कि जो अर्थवम जो होता है वो जो कॉकुन के अंदर जो अर्थवम के जो बेबी फेरिटीमा है या बोल सकते हैं जो चाइल्ड्स हैं वो टू से ट्वेंटी होते हैं एवरेज फोर यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं नेक्स्ट अर्थवम के अंदर होता है डेवलपमेंट जो होता है अर्थवम के अंदर डायरेक्ट होता है नो लार्वा स्टेज कॉक्रोच के अंदर तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट था पैरामेटाबोलिस टाइप क्योंकि कॉकरोच के लार्वा जो होते उसको हम बोलते हैं निफ क्लियर बट अर्थवम के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वा स्टेज एबसेंट होती है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थों के अर्थों का जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है कि अर्थों का यूज़ क्या करते है, तो हैं तो देखें यहाँ पर कि अर्थों को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में हम यूज करते हैं लाइक रोमेटिज्म पाइल्स अस्थमा पायरिया इम्पॉर्टेंसी अल्सर एंड जॉन्डिक्स क्लियर तो ये अर्थम मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज होता है क्लियर किस किस में रोमेटिस के अंदर पाइल्स के अंदर अस्थमा पायरिया इंपॉर्टेंसी अल्सर जॉन्डिक्स के अंदर पर अर्थों से लॉस भी होता है क्लियर कि अर्थों जो होता करते है रूट ऑफ बीटल को पान जो होता है बीटल्स प्लांट जो उनको डैमेज भी कर देते हैं क्लियर और इकोनॉमिक जो अर्थफम है फेटिमा के वजह से कि ये अर्थवम जो होता है सॉइल को डिगिंग करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर नेचुरल प्लगमेंट भी हम बोल रहे हैं इसको एंड अर्थों का जो फिकल मैटर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं इसलिए अर्थों को फ्रेंड ऑफ फार्म दे आर नेचुरल प्लगमेंट्स ऑफ सो दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप क्या देखें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में अर्थव्य यूज़ हो रहा है हालांकि इसका लॉस भी है कि कुछ ये प्लांट्स को लाइक ए एटल प्लांट्स की डैमेज कर देता है रूट्स को एंड फाइनली जो होता है ये बरोफ को क्या कर रहा है डिगिंग कर रहा है तो सॉइल जो होती है वो पोरस हो जाती है क्लियर सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अर्थम का जो फीकल मैटर है जिसको हम बोल रहे हैं वर्मी कम्पोस्ट ये नेचुरल फर्टिलाइजर है एंड इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोल रहे हैं क्योंकि नेचुरल प्लगमैन है एंड ये दूसरा इनका लॉस जो है द एक्ट एज ए बैट फॉर फिशिंग प्रोसेस